As the sun sets in Saharanpur, the political tempo peaks. BJP's Raghav Lakhanpal knows it's a tough election, but there could be an edge. As both BSP and the Congress under the India Alliance have fielded Muslims, he could get through with both cutting the votes for each other. 2014 में आपने जो यहाँ के कैंडिडेट खड़े हैं कांग्रेस से उनको हराया था, इस बार वो इंडिया के कैंडिडेट हैं, तो ये जो बैटल तब से है तो 19 में बसपा आ गई, तो इसको कैसे देख रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है आपको हराना इंडिया के कैंडिडेट? नहीं नहीं, हम जीतेंगे, हम बहुत आगे हैं, हम कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटों से आगे हैं और हो सकता है उससे अधिक भी हो हमारा मार्जिन, तो कोई इसमें कोई बैटल नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, शॉर्ट विन। 2019 में ऐसा क्या हो गया था राघव जी, बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग इन दलित वोट, देयर इज अ साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन एज वेल, हाउ विल थिंग्स पैन आउट डिफरेंटली दिस टाइम? वी आर गोइंग टू गेट वोट्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी दिस टाइम, बिकॉज पीपल हैव सीन नरेंद्र मोदी जीज डेवलपमेंट मॉडल एंड दे हैव बेनिफिटेड डायरेक्टली फ्रॉम इट, सो दे आर गोइंग टू वोट अक्रॉस कास्ट लाइन्स एंड अदर थिंग्स एंड दे आर गोइंग टू वोट फॉर डेवलपमेंट. Is there an attempt to draw the Muslim vote and draw the Dalit vote to you? Because I heard you say Jai Bhim there. Is there also an attempt to draw the minority vote? No, that. Do you need the minority vote? Well, you see, that's something that we should all say, because Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar ji was the one who gave us our constitution. And that in itself, that having said that, Narendra Modi ji is the one who's carrying that torch forward. I mean, the essence of the constitution has only actually really been carried forward by Narendra Modi ji. Saharanpur ki majboori hai, Raghav ji zaruri hai. Do baar vidhayak rahe, yojnaye di. Hamare yahan Shakumbhri University hai, highway hai charo taraf. To Raghav ji isliye zaruri hai. Modi ji jeetenge, Rahul Lakhanpal jeetenge, 2 lakh se. Kya hoga 19 tarikh ko? Voting bharpoor hoga. Bharpoor hoga. Aur kamal ke phool ke upar hoga. Raghav ji ya Modi ji? Dono jeetenge. Raghav ji Modi, Raghav ji Modi ji. मोदी जीत गए, राघव जीत गए, मोदी जीत गए, 2 लाख से 400+. 19 तारीख को तो बहुत बड़ा पर्व होने जा रहा है मैडम, बहुत बड़ा पर्व. पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे जगह आए जो एक बहुत अंतिम छोर के हमारे लोग हैं, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं ना 19 तारीख को इतना बड़ा पर्व होगा कि इस विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा मैडम. भाई कौन कहता है मोदी जी का परिवार नहीं है? मोदी का जी सारा परिवार मोदी जी का ही है, और मोदी जी ने तो इतनी सुविधा कर दिया, घर घर सिलेंडर पहुंचाए हैं, राशन राघव जी को देंगे, पूरी जनसंख्या देगी, जीतना ही है राघव जी को. मुद्दे तो जी ये 3 तलाक है, देखो 3 तलाक पे मिल रहा 370 है, राम मंदिर है, मुद्दे तो इतने हैं जी, इतने हैं, विपक्ष खाली हो गया बिल्कुल, दोनों के लिए हमारे लिए पहले राघव जी और मोदी जी दोनों के लिए है जी हमारे लिए तो वोट, हम किसी के भेदभाव नहीं हमारे अंदर, हम दोनों को वोट देंगे, सम्मान तरह के वोट देंगे बिल्कुल. सब खत्म. 19 तारीख को जनादेश मिलेगा और आदरणीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के बाद 400 पार का जो नारा है वो देखने को मिलेगा. आज समाज और महिलाएं सुरक्षित हैं, हर तरफ विकास कार्य चल रहा है, विकसित श्रेणी में हमारा देश आने वाला है, और मोदी और योगी के आगे नतमस्तक है पूरा विश्व, पूरा विश्व हमारे देश का डंका पीट रहा है, और ऐसे हमें मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे हमारे दो देशभक्त मिले हैं, जिनके पास अपने लिए करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, संपूर्ण निछावर उनका तन मन धन इस देश और समाज के लिए समर्पित है. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार. On the campaign trail, running late for a sabha and the 10 p.m. deadline to end campaigning, we catch up with Imran Masood. Congress's controversial candidate, infamous for the boti boti comment against Prime Minister Modi in 2024. Congress ke liye kyunki UP mein apna astitv banana abhi बहुत जरूरी है, तो ये सीट कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गठबंधन में ये उनमें से एक सीट है जो कांग्रेस लड़ रही है. नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं 100%. हमें इस बार चुनाव के अंदर हमें 1% भी डाउट नहीं है कि कोई हमें, क्योंकि हमारा मार्जिन भी बहुत ज्यादा होगा. जिस तरह से राजपूतों ने विरोध कर करके खुलेआम मेरे साथ खड़े हो गए हैं,
और खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, गुर्जर मुझे समर्थन कर रहे हैं, सैनी मुझे समर्थन कर रहे हैं, हमारा जो पुराना बुनियादी वोट था वो मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो हम लोग तो 7 लाख के पार हैं और बीजेपी किसी भी सूरत में 5 लाख को टच नहीं कर पाएगी। हम 7 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं, पहले तो हम 6 लाख समझ रहे थे, लेकिन हम तो 7 लाख के भी पार जाएंगे इस बार। मसूद साहब, अंग्रेजी में उसे पॉलिटिकल हाइंडसाइट कहते हैं, अगर वो कमेंट नहीं दिया होता 2014 में बोटी बोटी का तो क्या कुछ फर्क होता है, या आपको लगता है वो भूल गए हैं? नहीं नहीं, हम तो रोटी रोटी की बात कर रहे हैं, हर वक्त एक ही बात निकालते हैं। वो मैंने कमेंट, वो कोई कमेंट ऐसा नहीं था कि मैंने जो कोई जानबूझ के, हमारे यहाँ की लोकल बोलचाल भाषा था, और ना मैं वो हूँ जो आपने उल्टा पड़ तो गया। हाँ, ना मैं वो हूँ, क्योंकि मीडिया को पूरी तरह से कैप्चर किया हुआ था, ना मेरी वो इमेज है, ना मेरी वो छवि है। मैं जहाँ भी खड़ा हूँ लोगों के साथ, लोग मेरे साथ बात करेंगे, मेरे से मुझे बारे में जानेंगे, मेरा वो छवि है ही नहीं। हमने तो अभी भी कहा ना कि आइए राम के ऊपर ही बात कर लें, अगर आप बहुत ज्यादा, क्योंकि राम के ऊपर तो आप सबसे ज्यादा लगे हुए हैं कि राम को हम ले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आप गाने निकाल रहे हैं, मतलब इतना अहंकार है कि आप भगवान को लाने की बातें करने लगे। क्या यह संभव है कि कोई इंसान भगवान को ला सकता है? भगवान तो लाने वाले होते हैं, भगवान को कौन लाएगा? भगवान तो कृपा करने वाले हैं, इसीलिए भगवान की कृपा इस वक्त हम पर हो रही है, उन पर नहीं हो रही है। वेस्टर्न यूपी में, और फिर कहते हैं यहाँ से जो हवा चलती है वो आगे जाती है, कांग्रेस और जो आपका गठबंधन है सपा के साथ, आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? देखिए, वेस्टर्न यूपी से तो बीजेपी साफ होगी, अभी मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, नगीना, मतलब और आपका ये मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, ये बिल्कुल साफ हो रही है यहाँ से। गाजियाबाद और इधर जाकर के इनके पैर टिकेंगे कि ये रुकेंगे भी कहीं, क्योंकि अगर गाजियाबाद में जिस तरह का विरोध हो रहा है, अगर वो चल गया तो गाजियाबाद भी निकल जाएगी इनके हाथ से, जो सबसे मजबूत सीट थी।